बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं करूंगी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3, जो कि बहुत आसान है। इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। निस्बत वाला चैप्टर है और निस्बत पिछली 6, 7, 8 तक ये पढ़ते रहे हैं, और निस्बत को मालूम करना बहुत ज़्यादा आसान है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। आपने इसमें इनकी जो निस्बत है वो फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम देखें। इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखती हूँ, जो कि है रुपीज़ 6। आपने क्या करना है, जो पहला है, जो पहली पहली मकदार है, उसकी दूसरी मकदार के साथ आपने क्या लेनी है, निस्बत लेनी है। तो इसका मतलब निस्बत का साइन बीच में हम लिखेंगे, जो कि है 24:6, जिसको रेशो भी कहा जाता है इंग्लिश में। 24:6 है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने इनको डिवाइड करना है। या तो आप इसको ऐसे लिख लें, देखें 6 और 24, इन दोनों को आपने एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है। तो मैं इसको करूँगी 6 के टेबल के साथ। तो आप ऐसे लिखें 24/6 रेशो 6/6। तो देखें 6 4s are 24 and 6 1s are 6। तो इसका आंसर क्या है, 4:1। अगर आपने इसको ऐसे डिवीजन में नहीं लिखना, तो आप इसको ऐसे लिखें, देखें 24:6 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, बात एक ही है कि 6 के साथ तकसीम करने से, तो फिर वही हो जाएगा इसका आंसर। देखें 24/6 6/6, तो जो कि हो जाएगा 4:1। दोनों सूरतों में इसका जवाब वही आएगा। तो बेहतर है आप ये वाला मेथड इसका कर लें, कि आपने दोनों को सेम नंबर के साथ डिवाइड करना है, और जब ये आगे फर्दर किसी भी एक नंबर से डिवाइड ना हो, तो वो इसका आंसर होगा। ये था इसको पहली मकदार को दूसरी मकदार में आसान निस्बत से लिखना। अब मैं इसका एक दो पोर्शन और करूँगी, और बाकी फिर जो रह जाएंगे वो आप खुद कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी सकें जी। अब आगे देखें, मैं जिसका करने लगी हूँ वो है 5, जो कि है 1500 किलोमीटर एंड 1200 किलोमीटर जी। अब पहले तो हमने क्या करना है, उन्होंने अगर निस्बत में बोला है, तो आपने इसको निस्बत में ही लिखना है सबसे पहले, जो कि है 1500 निस्बत 1200। अब आपने ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, मैक्सिमम नंबर, जिसके साथ आप इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर सेम आए। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये 1500 है और ये 1200 है। मैं इसको पहले 100 के साथ डिवाइड करूँगी। इसको 100 से डिवाइड करने से क्या होगा जी, ये देखें। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या करूँगी, 1500 डिवाइडेड बाय 100 एंड 1200 डिवाइडेड बाय 100, दोनों को सेम नंबर्स के साथ डिवाइड करना है। तो 100 15s are 1500 एंड 1200s are 1200। अब हमारे पास जो नई निस्बत आई है वो है 15:15:12 है, जो कि 15:12 है। अब ये देखें आप कि 12 और 15 3 के टेबल से डिवाइड मजीद हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो इसका यही आंसर था। लेकिन 15 और 12 अभी 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, 15/3 ratio 12/3 करेंगे। तो 3 5s are 15 and 3 4s are 12। अब ये देखिए, 5 और 4 वो नंबर है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आपने इसको आसान शक्ल में लिखना है, जब इसके आगे फर्दर डिवीजन ना हो। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं, जो इसके 2, 3, 4 and 6 है, वो आप खुद कीजिएगा। अब मैं करती हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 है, दर ज़ैल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। यहाँ पे जो निस्बत दी गई है वो है 2/3 ratio 3/5, यानी कि इन्होंने इसको कसर में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, जो आप इसके डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे 5 और 3 है, इसका एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम लेने के बाद नंबर आएगा उसके साथ दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। देखें 3 1s are 3 5 1s are 5, तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम आया है वो आया है 15। अब इस 15 के साथ, क्योंकि ये दोनों कसर में हैं, या एक भी कसर में हो, तो आपने उसका एलसीएम ही लेना होता है। तो अब हम इसको इसके जो ये जो आया है एलसीएम, इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 2/3 multiplied by 15 ratio 3/5 multiplied by 15। अब ये देखें, 3 1s are 3 3 5s are 15 5 1s are 5 5 3s are 15, इनकी कटिंग हो गई, 5 2s are 10 and 3 3s are 9। अब 10 और 9 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते किसी भी सेम नंबर के साथ, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं एक दो क्वेश्चन और करती हूँ, उनको सॉल्व करना, जैसा कि आपने देखा, बहुत इजी है जी। मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, 15/10 ratio 2। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कसर है और एक कसर नहीं है। तो अगर आपके पास एक भी कसर हो, तो आपने उसका एलसीएम ही लेना है। अब देखें, क्योंकि हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर या मुखरिज है, उसमें सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो जो एक नंबर है वो ही इसका एलसीएम होगा। तो 15/10 multiplied by 10 ratio 2 multiplied by 10, तो 10 1s are 10 10 1s are 10 15 ratio 10 2s are 20
तो हमारे पास आया है 15:20। अब देखें 15 और 20 फर्दर किस टेबल के साथ डिवाइड होंगे। इफ 5 के साथ ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 3 15 एंड 5 4 20, हम 15/5:20/5 करेंगे। तो जब इनकी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 3 15 एंड 5 4 20। तो 3 और 4 फर्दर आगे इसको आप आसान शक्ल में नहीं लिख सकते, तो ये है इसका आंसर। इसी तरह से जो बाकी के इसके पार्ट्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा, जो भी नीचे डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आएगा उसके साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग करने के बाद जैसे कि यहाँ पे 10:9 था, कटिंग होगी तो ठीक है, अगर वो डिवाइड नहीं होते तो वही उसका आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें इस तरह से आपको एक टेबल गिवन है कि एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने दर्जल जदोल के मुताबिक सफर किया, जिसमें से रिक्शा में 14 के स्टूडेंट्स ने सफर किया, टैक्सी में 9 ने, बस में 75 और कार में 28 ने। अब आपने दर्जल तलबा के दरमियान जिन्होंने सफर किया उनकी निस्बत मालूम करनी है कि रिक्शा से टैक्सी में कितने स्टूडेंट्स ने सफर किया, टैक्सी से बस में और टैक्सी से कार में। तो आपने क्या करना है, अब जैसा कि टेबल गिवन है यहाँ पर उनकी तादाद भी बताई गई है कि रिक्शा से टैक्सी में कितने गए। तो रिक्शा से टैक्सी में है तो रिक्शा में कितने थे 14 और टैक्सी में कितने हैं 9। तो देखें 14:9 स्टूडेंट्स ने सफर किया है रिक्शा से टैक्सी में। तो ये मजीद किसी भी टेबल के साथ डिवाइड नहीं होते क्योंकि एक इवन नंबर है और एक ऑड है, या आप कैसे भी कह लें कि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। तो इसका आंसर यही है जो कि है 14:9, क्योंकि आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होता। अब लेना है टैक्सी से बस में, टैक्सी में किया है 9 ने सफर और बस में किया है 75 स्टूडेंट्स ने सफर। तो हम क्या करेंगे, देखिए 9 और 75 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे जी। तो 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 5 15 जी। तो हमारे पास आया है 3:25। अब 3:25 आगे डिवाइड नहीं होता तो इसकी रेशियो क्या आई है 3:25। इसी तरह से अब हम लेंगे टैक्सी से कार में, टैक्सी है 9 और कार है 28, अगेन 9 एंड 28 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो 9:28। इस तरह से आपने इसकी रेशियो फाइंड करनी थी, जैसा कि आपने देखा ये बहुत इजी है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आप खुद सॉल्व करें। उसमें बताया गया है, वो क्वेश्चन है कि स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की 75 कुतब, इंग्लिश की 115, केमिस्ट्री की 85, फिजिक्स की 60 कुतब मौजूद हैं, दर्जैल में निस्बत मालूम कीजिए। अब जहां पे उन्होंने जो भी बुक दी गई है आपने उसकी उन दोनों की रेशियो लिखनी है, और फिर आपने देखना है कि वो दोनों किस टेबल के साथ डिवाइड होते हैं और आपने उसको डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत ईजी है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.3 जो कि निस्बत से मुतल्लिक थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।